वोल्वो वाले, वोल्वो वाला अपनी सवारी छोड़ के भाग गया था और 14 मील में आपके पास पहुंचा हूं। तो अभी भूतनाथ एक जगह का नाम है जहां पे शमशान घाट है, तो अभी जाता हूं यहां सामने पार मुझे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं 6:30 हो रहे हैं और पापा ने मुझे उठा दिया और मैं छत में आया हूँ क्योंकि हमारा जो एक गार्डन है ये सेट करना है थोड़ा सा। तो पापा अभी डॉगी को घुमाने गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे तो फिर इसको करते हैं शुरू काम। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों अभी हम मनाली में हैं और मनाली में लगा बुरी तरह से जाम। एक जो टैक्सी वाले थे हमारे वहाँ फंस गए थे, तो टैक्सी वाले नहीं वोल्वो वाले, वोल्वो वाला अपनी सवारी छोड़ के भाग गया था और 14 मील में ही छोड़ दिया। तो हम लोग उनको छोड़ने आए थे, साथ में मेरे भाई जी भी है, से हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वो लोग बेचारे बाथरूम करने के लिए उतरे और बंदा अपना बस स्टार्ट की और चला गया, बेचारा को वहीं छोड़ दिया। लो बाबा बल्लू अब अकेले लाए पापा शेम शेम नंगी आ जाना होना ना बुंतर सुई गाओ पस्त लगाओ पापा क्या कर रहे हो शाबाश और देखना गिरेगा बल्लू गिरेगा 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 गंदी वाला गंदी गंदी नहीं बोलते यार पापा पंजी नहीं बोलते गंदी नहीं पता नहीं अंदर ही हो फिर चढ़ गया बल्लू अब लगेगी वो शरारत सूझी आज इसको यहाँ नहीं है मैंने उठा दिया था शायद मैंने उठाया हो ना टॉबल सुनो आप भाई को भेज रही हो नहीं भेजा गर्मी होना इसे भी नहीं वो गर्मी होगा ऐसे भी माम फिर परेशान होगा ओ जी मिलेगा तो बाकी देख लेंगे चलो ठीक है बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं बुंतर मम्मी के साथ और नुआ भी रेडी है जाने के लिए पर हम ले नहीं जाएंगे, बल्लू आ नहीं रहा है तो चलते हैं। मम्मी और नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, बुंतर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, मम्मी के हॉस्पिटल चेकअप करवाने। A little longer than a few minutes later. तो अभी हम पहुंच गए हॉस्पिटल। यह कुल्लू में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर मेरे बुरे हाल हो रहे हैं और मम्मी पापा भी बाहर रिसेप्शन पे शायद बिल काट रहे होंगे और मम्मी का चेकअप हो गया, काफ़ी देर लग गई, काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे। ये तो मैं शुक्र है सन ग्लासेस लेके आया, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी थोड़ी देर में आएंगे,
फिर हम जाएंगे वापस घर। और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, अभी चलते हैं। अभी मैं कुल्लू पहुंच गया हूं और कुल्लू में मैं जा रहा हूं लाफिंग लेने मैडम जी के लिए। तो अभी मैं भूतनाथ के पास पहुंचा हूं। तो अभी भूतनाथ एक जगह का नाम है जहां पे शमशान घाट है। तो अभी जाता हूं यहां सामने पार, मुझे उस तरफ जाना है। अगर लाफिंग मिल गया तो ठीक है, वरना वापस भागूँगा। बोलना ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो मैडम से गुस्सा हो जाएगी, फिर गालियाँ सुननी पड़ेगी, इतनी दूर आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी फटाफट जा के आता हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाफिंग वगैरह ये सब मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बचता नहीं है। तो अभी देखता हूँ चल के, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस भागूँगा। सामने मेरा घर भी दिखाई दे रहा है, ये ऊपर चोटी में जो ग्रीन कलर के साथ में ब्लू कलर वाला, ये मेरा घर है। तो अभी जा के आता हूँ फटाफट, वरना लेट हो जाऊँगा। मुझे ये पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो यहाँ से फिर मैं घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर आगे की तरफ तिप्ति मार्केट है, तो वो तिप्ति मार्केट में ही मिलेगा। A few moments later. तो अभी वही हुआ जिसका डर था, वहाँ पे लाफिंग है नहीं, और उन्होंने मुझे एक जगह बताया, तो मैं उस तरफ जाता हूँ, देख के आता हूँ अगर वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। तिप्ति मार्केट है, एक दूसरी तरफ और मार्केट है, तो वहाँ चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ जाके अगर वहाँ मिलता है तो। और रिवर साइड में मैं पहुँच गया हूँ, और नीचे नदी है, और मम्मी पापा भी साथ में गाड़ी में है, कहीं गुस्सा ना करें, फटाफट जाता हूँ, मैं लेट ना हो जाऊँ, अभी घर भी पहुँचना है। वैसे मुझे इतना घूम के जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहीं पास में था जो तिप्ति मार्केट है, उन्होंने नाम बताया। तो अभी देखता हूँ फटाफट जाके, मिलना चाहिए, ऊपर वाले से दुआ करना मेरे लिए कि मिल जाए, वरना मैडम मेरे को गुस्सा कर करके बुरे हाल कर देगी, गाली दे देगी। बोले यार हर बार ऐसे ही करता है, एक चीज़ मांगती हूँ वो भी नहीं ला के देता है। गया हूँ तिप्ति मार्केट, और यहाँ पे कपड़े ही कपड़े, दुनिया भर के कपड़े, और काफ़ी बड़ी मार्केट बन गई है पहले से। जैसा मैंने जब मैं शुरू में आता था तो एक दो दुकानें होती थी, अब तो बहुत बड़ी मार्केट है। और मुझे मिल गया लाफिंग, ये सामने लाफिंग है, अभी अपने को लाफिंग मिल गया, और फटाफट निकलते हैं। मम्मी और वेट कर रहे होंगे, और मैडम जी भी खुश हो जाएगी। अभी मैडम जी का कॉल आया था, पूछ रही थी कहाँ हो, तो मैंने बोल दिया अभी हम कुल्लू में हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो बोल रही है लेट हो गए ऐसे वैसे, तो मैडम जी ने फ़ोन काट दिया और चले, और गुस्से में फ़ोन काट दिया, रोटी में जा रही, मैंने कहा ठीक है जाओ फिर। तो अभी निकलते हैं फटाफट, और मम्मी भी वेट कर रहे होंगे। यहाँ से रास्ता हुआ करता था दूसरी क्रॉसिंग, जो दूसरा रोड जो है पाली तरफ हाईवे जो है, तो वो क्या हुआ कि जो पुल बनाया हुआ था वो टूट गया, बीच में दरार आ गया उसमें, और उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर उस के चक्कर में नया पुल बनाना पड़ा इनको उधर दूसरी साइड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, और ये अब ये जो पुल है ये खाली वॉक करने के लिए रह गया लोगों को। तो लोग यहाँ पर रोज़ शाम को वॉक करने आते हैं, गाड़ियाँ पार्क करते हैं, और बीच में इन्होंने क्रॉसिंग लगाई है ताकि गाड़ी उधर ना जाए। तो हमारी गाड़ी भी वहीं सामने लगी हुई है, तो अभी चलते हैं फटाफट पहुंच जाते हैं। तो मैं मम्मी पापा के सामने थोड़ा वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, क्योंकि मम्मी मुझे बार बार चिढ़ाती रहती है कि ले वीडियो बनाना शुरू हो गया। तो अभी भी देख रही होगी, तो मम्मी बोलेगी देखो 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 वो वीडियो बनाते बनाते हुए आ रहा है। तो ये देखिए बीच में इसमें पुल में दरार आ गई थी, तो जिस वजह से इसको बंद करना पड़ा। ये देखो ये सारा ख़राब हो गया पुल, अभी चलते हैं फटाफट। अच्छा चिकन की स्मेल आ गई नौवे को, चाय बनाओ पीछे हो जाना वो, हट जा हट जा। तो क्या इसके चक्कर में जाना पड़ा मैडम के चक्कर में, फिर मैला फाल बोला मनाली एक लाफिंग के लिए, मनाली इतना तेज लग जाएगा।
आप मेरे लिए इतने दूर जा ऐसा हो नहीं सकता। फिर मेरे को जाना पड़ा, आप क्या करना? खाना पीछे कसम। कसम से? बल्लू अपने मिस नहीं किया पापा को। सोए थे? A little longer than a few minutes later. पाप ने तो मुझे भाभी नहीं किया और आप सोने लगे हो, अकेले अकेले सो रहे हो मेरे पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बल्लू। बल्लू गुड नाइट, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब।